दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं कैनन ईओएस 700D को, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है कैनन ईओएस 700D, यहाँ पे हमारा बॉक्स और यहाँ पे हमें मिलता है एक कैरी बैग, तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं ओपन। और दोस्तों ये हमारा कैरी बैग और देख सकते हैं ये हुक है, और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक मिलती है स्ट्रिप, और यहाँ पे हमें कुछ रखने की जगह मिलती है। यहाँ पे हम अपने DSLR की बॉडी रख सकते हैं, लेंस रख सकते हैं, और यहाँ पर हम अपनी कुछ केबल्स वायर्स कुछ रख सकते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं ये इसका बैग था, तो इसको ज़रा हम रखते हैं ज़रा साइड में। और ये हमारा कैनन ईओएस 700D का बॉक्स डबल किट लेंस के साथ आता है। ये एक किट है 18-55 mm और एक है 55-250 mm। और जैसा आप इसका प्राइस देख सकते हैं, इसका प्राइस है 44,995, लेकिन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। और इस साइड में कुछ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको 8 GB का कार्ड फ्री में मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे कुछ फीचर लिखे हुए हैं, 18 MP का कैमरा, और ISO देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग पे है वो 64,000, और जो फोटोग्राफी पे है वो है 1,28,000। और यहाँ पे भी इसके कुछ फीचर लिखे हुए मिलते हैं। और जल्दी से हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है, CDs मिलती है, तो इसको हम जरा साइड में रखते हैं और हम इस बॉक्स को हटाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 सेगमेंट मिलते हैं, यहाँ पर हमें शायद एक किट मिलती है, यहाँ पे बॉडी मिलती है, और यहाँ पर एक्सेसरीज मिलती हैं। और अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रिप मिलती है हमें अपने नेक में डालने के लिए, और जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी स्ट्रिप जो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसको भी ज़रा हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है 8 GB का कार्ड फ्री, और यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलती है बैटरी, तो मैं इसका ज़रा कवर हटाता हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं ये है 1120 mAh की बैटरी, जो कि शायद आपको 2 घंटे का बैटरी बैकअप दे दे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है इसका चार्जर, आप इसमें बैटरी रख के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आपको एक केबल मिलती है, इससे आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना कैमरे से PC में। और यहाँ पर मिलती है आपको AC केबल, जिसको आप चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरी को। यहाँ पर हमें मिलता है एक छोटा लेंस, ये है 18mm-55mm का। यहाँ पे आपको मिलता है स्टेबलाइजर, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो फोकस कर सकते हैं मैनुअल और ऑटो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एपरेचर मिलता है आपको, जो जूम आउट पे मिलता है वो मिनिमम मिलता है 3.5 का, और जो बिल्कुल जूम पे मिलता है आपको एपरेचर वो मिलता है 5.6, तो इसको भी ज़रा हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है शायद दूसरा लेंस, तो हम इसको भी जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा बड़ा लेंस, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो mm साइज़ है वो 55-250 mm है। और यहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजर का ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है, और ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का फीचर मिल जाता है। और आप इसके कैप को हटाएंगे तो यहाँ पे आप एपरेचर को देख सकते हैं, और जो जूम आउट पे मिनिमम एपरेचर मिलता है वो है 4, और जो बिल्कुल जूम पे आपको मिनिमम एपरेचर मिलता है वो है 5.6, तो ये भी काफ़ी अच्छा लेंस हो गया। और जैसा आप देख सकते हैं ये काफ़ी जूम हो सकता है, ये जूम के काम नहीं आता है, वैसे तो इतना काम में नहीं आता ये लेंस, तो इसको भी तरह हम रखते हैं साइड में। और अब हम ध्यान देते हैं अपनी बॉडी पे, तो ये रही हमारी DSLR की बॉडी, तो इसको जल्दी से करते हैं बॉक्स। और दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारी DSLR की बॉडी, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसे सारे फंक्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है EOS 700D, यहाँ पर आपको शटर बटन मिल जाता है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मूवी का बटन मिल जाता है, यहाँ पे मेन्यू इन्फो, यहाँ पे कुछ बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सेल्फ टाइमर का मिल जाता है वगैरह, प्ले डिलीट मिल जाता है, सब कुछ सारे बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का मिल जाता है, यहाँ पर आपको मैनुअल मोड मिल जाते हैं, ऑटो मोड मिल जाते हैं, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो में जा सकते हैं। और यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मोड्स हैं ही, जो भी आपको मोड, जो भी मोड आपको पसंद हो आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे ISO मिल जाता है, यहाँ पे हमें शटर की मिल जाती है, तो यहाँ से हम शटर को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलती है एक फ्लैश, ये तो अभी ऑन होगी नहीं क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है डिस्प्ले, और ये टच डिस्प्ले है, और देख सकते हैं ये फ्लिप भी हो सकता है बड़े आराम से। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं अपनी बैटरी, तो हम यहाँ पे अपनी बैटरी को डाल के देख सकते हैं, और यहाँ पे डाल सकते हैं कार्ड, तो हम जल्दी से इसमें अपनी बैटरी डाल के देख लेते हैं। और दोस्तों ये यहाँ से साइड से ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप अपनी बैटरी को डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो मैंने इसके लिए अलग से कार्ड परचेज़ किया है 64 GB का, तो हम इसको भी डाल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हैं, और यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका यहाँ पे ये कैप हटा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आप लेंस कैसे लगा सकते हैं, तो वो बहुत ही आसान काम है, आपको बस इसका भी कैप हटाना है।
और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वाइट स्क्वायर मिलता है बहुत छोटा सा, और वहाँ पर आपको बॉडी में भी मिलता है। जैसा आप बॉडी में देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपको एक वाइट स्क्वायर मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों स्क्वायर को एक के ऊपर एक रखना है और फिर साइड में रखना है, और आपको एक आवाज़ आएगी और फिर ये अटैच हो गया है। और आपको इसको कैप हटा देना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना डिस्प्ले खोलते हैं। और जैसे ये हमने करा ऑन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम डिस्प्ले को ऑन करते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं फोकस बड़े आराम से। वैसे तो आप ऑटो फोकस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इसको हिला नहीं पाएंगे अपनी मर्ज़ी से, और फिर आप ये शटर की से ही हिला सकते हैं, लेकिन मैनुअल फोकस पे आप अपने हिसाब से मैनुअल फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाती है शटर की, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एपरेचर, एपरेचर भी अपने हिसाब से रख कर सकते हैं। और जो मैं जैसा मैंने कहा था, जूम आउट पे आपको सबसे कम एपरेचर मिलता है 3.5 का, और जूम इन पे आपको मिलता है मिनिमम एपरेचर 5.6 का, और वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दोस्तों ये टच डिस्प्ले, तो सारा काम टच से होता है। और यहाँ पे आप ISO भी देख सकते हैं, ISO घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, वो सब आपकी मर्ज़ी और है। यहाँ पे आप फ्लैश को ऑन कर सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे फ्लैश हो गई है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सिर्फ फोटो में काम करेगी, ये फ्लैश वीडियो में बिल्कुल काम नहीं करेगी, आपको इसके लिए अलग से एक फ्लैश खरीदनी तो पड़ेगी। दोस्तों यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, उम्मीद है कि आपको इसकी अनबॉक्सिंग पसंद आई हो। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कमाल का कैमरा है। अगर आप सोच रहे हैं 1300, 1200 या 700D में से किसी एक को परचेज़ करने में, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 700D को परचेज़ करें, क्योंकि ये सबसे अच्छा कैमरा है यूट्यूबर्स के लिए जो शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।